नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करते हैं इसके पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झांसा देकर 1.5 लाख की ठगी, टीचर कॉलोनी में चोरी की घटना, फुटाला में मिला शव। आइए देखते हैं खबर अब विस्तार में। झांसा देकर 1.5 लाख की ठगी। नागपुर नंदनवन इलाके की एक महिला को उसकी परिचित महिला ने बीमा पॉलिसी दिलाने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए से ठग लिया। फरियादी श्री कृष्ण नगर निवासी सीमा नितनवरे है। उन्हें 2009 में उनकी परिचित महिला ने ज्यादा लाभ वाली बीमा पॉलिसी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए 1.5 लाख की किस्त भरने की जानकारी देकर रकम ली थी। इसके बाद कई बार बीमा पॉलिसी मांगने पर टालमटोल किया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही दूसरी ओर टीचर कॉलोनी में चोरी की घटना। नागपुर सकरदरा के टीचर कॉलोनी में एक बंद मकान से अज्ञात चोर नकदी सहित 2,45,000 रुपए का सामान चुरा कर ले गए। इस घटना का शुक्रवार को सुबह 10 बजे पता चला। फरियादी प्लॉट नंबर 134 निवासी सलीम शेख है। शेख 17 जनवरी को परिवार सहित टेका नाका में रिश्तेदार की शादी में गए थे। वहां से घर लौटने पर अलमारी से नकदी 50,000 रुपए और गहने सहित 2,45,000 रुपए की चोरी का पता चला। सकरदरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर फुटाला में मिला शव। नागपुर अंबाजरी थाने के तहत फुटाला तालाब में शुक्रवार की सुबह 7:30 पर एक 52 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक गिट्टी खदान मोहन अपार्टमेंट निवासी सतीश किशनराव सप्रे है। अंबाजरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।